बच्चों, आज जो है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया जाएगा, ठीक है। रूल हमारे वही हैं जो आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, पैसिव वॉइस के रूल। देखिए पहला रूल क्या था, क्या लिखोगे इसमें? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पहला रूल यही लिखवाया था। दूसरा लिखवाया, दूसरा इसमें क्या होगा? परफेक्ट है, सहायक क्रिया क्या लगा होगा? विल हैव होता है ना, विल हैव होता है, विल हैव और शैल हैव तो लगा होगा, सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव लगा होता है। शैल जो है वो आई वी के साथ लगता है, तो हमने आपको बताया था पहले, लगता है ना, तो इसके साथ में क्या बढ़ा देंगे? बीन, क्या बढ़ेगा? बीन, तो लिख देना बीन बढ़ा देंगे। पूरा लिखना, क्या लिखोगे? हाँ, फिर तीसरा क्या है? वर्ब की कौन सी हमने बताई थी लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या था रूल में? अन्य शब्द लिखेंगे, बाक के अन्य शब्द लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या था? बी वाई वाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका रूल। अब सेंटेंस देख लीजिए, एक्सरसाइज 38 है। सेंटेंस है, ही विल हैव प्रेज्ड यू, ही विल हैव प्रेज्ड। प्रेज्ड मीन्स जानते हो बच्चों क्यों? प्रेज्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। अब देखो यू है, यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव क्या है? सहायक क्रिया। क्या है ये? सहायक क्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। प्रेज्ड क्या है? वर्ब खाली क्रिया, यही तो है। अब जो यू है ये कहाँ आ जाएगा? आगे, अब यू के साथ यही लगेंगे। विल है क्या लगा? विल है बीन, यही तो रूल कह रहा। अब प्रेज्ड तो है ही थर्ड फॉर्म, तो प्रेज्ड की क्या लिखेंगे? प्रेज्ड ही लिखेंगे, तो लिखो प्रेज्ड। फिर क्या लगाओगे? बी वाई बाई, और आगे क्या है? ही का क्या हो जाएगा? हिम। फिर एक सेंटेंस और देख लो, द सर्वेंट द सर्वेंट, ठीक है, द सर्वेंट विल नॉट हैव, विल नॉट हैव ईटन द फ्रूट्स, ईटन द फ्रूट्स। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? द फ्रूट्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। द सर्वेंट क्या है? सब्जेक्ट। विल नॉट, नॉट को छोड़ के विल हैव क्या है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ईटन हमारी वर्ब, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम लाएंगे द फ्रूट को आगे। यहाँ तक दिख रहा है क्यों? नहीं, यहाँ
चलो ठीक, देखिए लिखे द फ्रूट, क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या लिखोगे? द फ्रूट्स लिखो. विल नॉट हैव के साथ में क्या पढ़ाओगे? हैं? यही पढ़ रहे हो. बीन फिर क्या लगाओगे? बाई और द सर्वेंट का, द सर्वेंट. आया समझ में? बाकी बनाना अपने आप. यस ठीक है, ये एक्सरसाइज सभी बच्चे बनाए.